Hey guys, welcome back to another exciting video. आज की वीडियो में बात करने वाले एविएटर गेम के बारे में, जिसने इस टाइम तहलका मचा रखा है। बड़ी ही साइट्स पे अवेलेबल आपको देखने में मिल जाती है और लोग बड़ा ही भरपूर आनंद उठा रहे हैं इस गेम का। तो आप भी इस चीज़ में पीछे कैसे हट सकते हैं? काफ़ी लोग बड़े ही निराश हैं इस गेम से, बट हाँ, मैं आपके लिए आज ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आऊँ जो आपको ज़रूर बेनिफिट कहीं ना कहीं करके जाएगी जाएगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली ट्रिक की बात यहाँ पर कर लेते हैं, वो ये है कि आपको अपना पूरा अमाउंट कभी यूज़ नहीं करना है, यानी कि आपको अपना पूरा अमाउंट यूज़ नहीं करना। सॉरी फॉर माय वेरी गुड हैंड राइटिंग गाइस, आपको अपना पूरा अमाउंट एक बारी में यूज़ नहीं करना। आपको यहाँ पे करना क्या, जैसे कि लेट्स से आप 1000 का अमाउंट अपना डिपॉजिट में यहाँ पे डालते हो, तो आपको करना क्या, आपको या तो इसको 50 के बैचेस में खेलना है, यानी कि या तो 50 अमाउंट के बैच में आपको खेलना है, या फिर आपको इसको 100 के बैचेस में खेलना है। अब आप 50 के बैच में अगर इसे खेलेंगे तो यहाँ पे आपको टर्न्स मिलेंगे, यानी कि प्लेस मिलेंगे 20, और अगर 100 की उसमें खेलेंगे तो आपको मिलेंगे 10 प्लेस। अब इससे होता है कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, तो उससे बेनिफिट बहुत आता है, ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट की हम बात करें तो वो यहाँ पे रहती है कि आपको कैश आउट करना है अमाउंट बिफोर 2.2x हिट करने से पहले, यानी कि उसको भी इंग्लिश में लिख लेते हैं, सॉरी फॉर माई वेरी ग्रेट हैंड राइटिंग अगेन, मैं पहले डॉक्टर था अपने ज़माने में, तो इस वजह से इसको थोड़ी हैंड राइटिंग को आप देख लेना। मैं आपको बता देता हूँ कैश आउट बिफोर 2.2x का मतलब क्या है। आपको प्लेन को 2.2x हिट करने से पहले ही पकड़ लेना है, यानी कि उसको ऊपर उड़ने नहीं देना। जैसे आपने देखा होगा ना, प्लेन जाते रहते जाते आपने उसे ऊपर नहीं जाने देना, जैसे ही 2.2x हिट करने वाला उससे पहले अपना अमाउंट जो है आपको कैश आउट करा लेना है। इससे बड़े ही लोगों को बेनिफिट हुआ है, आप ये पॉइंट ज़रूर अपने दिमाग में ज़रूर डालना। अब थर्ड पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट के बारे में आ जाते हैं, वो ये रहता है यहाँ पे कि आपके जितने भी प्लेस हैं, यानी कि फर्स्ट 10 प्लेस जो हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले फर्स्ट 10 प्लेस जो आप खेलेंगे शुड बी योर सेम अमाउंट, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ सेम। अब इसका मतलब क्या बनता है, वो ये रहता है सेम पॉइंट यहाँ पे भी आ जाता है, ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे समझाया था, वो ये यहाँ पे आ जाता है कि अगर आप 100 के बैचेस में यहाँ पे उसको प्ले करते हैं, यानी कि एविएटर को, तो जो 10 प्लेस आपके रहेंगे वो आपको 100 के बैच में ही खेलने हैं। इससे भी क्या रहता है, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़रूर बढ़ती है, तो ये पॉइंट्स आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं ड्यूरिंग एविएटर प्ले, तो इन्हें ज़रूर ध्यान रखिएगा। स्क्रीन पर अपनी नज़रें ज़रूर गड़ाए रखिएगा हर पॉइंट का, क्योंकि लक्ष्य वही है स्क्रीन, उस पर ज़रूर ध्यान रखना है। सो ये थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड लक।